इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. लोग बात करते हैं सिल्वर का, ठीक है. देखिए लास्ट वीक का एनालिसिस अभी भी मेरे चार्ट पे है एंड मैंने हर लेवल आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया से डिकोड करके दिया था कि कैसे ये होने वाला था और क्या क्या हुआ. तो खैर चलिए कोई नहीं, अब मजे की बात ये है कि अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन, बहुत प्यारा फॉर्मेशन, मैं बहुत दिन से आप लोगों को दिखाने की चेष्टा भी कर रहा हूं. क्योंकि ये एक सिल्वर का बहुत ही लॉन्ग टर्म, साल भर पुराना एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन है, जहां पे सिल्वर क्या करता है, वीकली चार्ट है, यहां पे सिल्वर करता क्या था, हैमर बनाता था या कोई रिवर्सल कैंडल देके ऊपर भाग जाता था और नया हाई बनाने चला जाता था. दिस वॉज फ्रॉम हेयर, आया वापस गया, आया वापस गया, आया गया, बट यहाँ से सिल्वर ने गियर बदला, आया गया. फिर यहाँ पे देखिए पिछले बार भी 14 अगस्त को भी मैंने ये पकड़ा था, यहाँ पे एक दूजी बनाया, बना के अपर एंड तक गया, टकराया, टका के आ गया. इस बार क्या किया, इस बार लोगों को ट्रैप किया इसने. यहाँ पे देखिए एक हैमर बनाया, हाई तोड़ा, यहाँ पे लोगों को एंटर करवाया एंड उसके बाद ये 5% का कट दे दिया सिल्वर ने, एक बड़ा बियरिश कैंडल दे दिया. अब दोस्तों जब तक सिल्वर में ये 73,500 का हाई नहीं टूटेगा ना, सिल्वर में ऊपर का घर कैप्ड है, ठीक है. अब ये हो सकता है वीकली चार्ट में ही मंदी का दौर और एस्केलेट होगा, जैसे ही ये अब इसने अपने 70,000 के बहुत ही वाइटल सपोर्ट जोन को ब्रेक भी कर लिया है और ये और नीचे की तरफ रेडी हो रहा है. तो सिल्वर में आपको अगर डेली चार्ट दिखाऊंगा, ये बहुत ही वाइटल इसका सपोर्ट जोन के तौर पे मैं इसको देखता था, 70,000 के जोन को, जहाँ से ये बार बार आके टकरा के घूम जाता था. तो ये 70,000 का एक साइकोलॉजिकल जोन भी तोड़ दिया और आप यहाँ पे चार्ट पे देख भी पा रहे हो, कल का वॉल्यूम देख रहे हो, दिस वॉज ए ह्यूज वॉल्यूम. यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग किया, 73,000 ले जाके शॉर्ट्स वाले लोगों को कटवाया, लोगों को लॉन्ग करवाया, लॉन्ग करवा के इतना बड़ा सेल ऑफ, मीन्स समथिंग इज कुकिंग इन इट. देखिए अब देखिए मैं तो यहाँ पे लॉन्ग करता भी नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा एमएसडी बियरिश था, आरएसआई बियरिश सिग्नल देके चल रहा है, तो वाई शुड आई गो लॉन्ग, आई विल नॉट गो लॉन्ग. मैं तो बियरिश ट्रेड के लिए वेट कर रहा था. जैसे ही मजा की चीज देखिए, जो लोग बॉलिंगर बैंड देखते हैं उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा का चीज है. देखिए बॉलिंगर बैंड के बाहर गया कैंडल, एमएसडी बियरिश आरएसआई टॉप पे से घुमा, जैसे ही गया मिडल बैंड तोड़ा, अगेन लोअर बैंड पे, सर यहां पे बेचना था, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, दैट्स इट. तो अब सिल्वर के लिए क्या है, सिल्वर के लिए बहुत बहुत बड़ा चेंजिंग पोलैरिटी हुआ है दोस्तों. मैं सिल्वर पे लॉन्ग की सलाह तो नहीं दूंगा. अब सिल्वर के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है करीब, आपके लिए ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड, यही रेजिस्टेंस का काम करेगा. 72,200 के करीब अब सिल्वर में रेजिस्टेंस जोन बड़ा बन चुका है और अब नीचे में मैं नीचे में एक एस्केलेटेड सपोर्ट जोन देखूं, तो मेरे को अब जो नीचे का जो वाइटल सपोर्ट जोन अब आ रहा है प्राइस एक्शन पे, वो करीब ये जोन से ना, देखिए सिल्वर इस जोन के ब्रेकडाउन के लिए एकदम रेडी हो गया. जिस तरह का कैंडल बनाया मंडे को, जस्ट अगर मंडे ट्यूजडे को जस्ट ये नीचे खुल गया ना, तो आप रेडी हो जाइए 67,500 के लिए, 67,500-400 करीब सिल्वर आता दिख रहा है, ठीक है. तो अपसाइड रेजिस्टेंस कैप 72,200, डाउनसाइड सपोर्ट 67,500. तो सिल्वर में दोस्तों तेजी मत करिएगा, फंसिएगा मत, प्लान करिए सिल्वर को इस रेंज के बीच में, मंदी का सौदा ही देखना है, सिल्वर में बड़ा गोता लग सकता है, तो बी केयरफुल, ठीक है दोस्तों. तो अगर आपको सिल्वर का ये एनालिसिस पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, ताकि मैं विकास बगड़िया हर वीक आपके लिए इसी तरीके के सुप्रीम नॉलेजेबल ट्रेडिंग आइडियाज लेके आ सकूं एंड आप लोगों को बेनिफिट देते रहूं. थैंक यू वेरी मच दोस्तों.